एक फनी सा शेर है पर कुछ लोगों के लिए सच भी हो जाता है कि एक लड़का जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, और ये सच्चाई है। अगर वो प्यार में नहीं पड़ता तो पता नहीं कहाँ चला जाता। कि एक लड़का जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था पर मेले बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया, इस चक्कर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक लड़का जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था पर मेले बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया, इस चक्कर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और एक और वो माँ जिसने उसे बोलना सिखाया था, एक लड़की क्या मिली उसकी तोतली जवान कर दी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और एक शेर देखिएगा इसी फनी वे में कि मैं कहता था वो सबसे अलग है, और भाई साहब हर लड़के को लगता है कि मेरी वाली अलग है। कि मैं कहता, मुझे भी लगता था कि मैं कहता था वो सबसे अलग है, मुझे धोखा नहीं देगी। मैं कहता था वो सबसे अलग है, मुझे धोखा नहीं देगी, पर मेरे साथ साथ अपना प्यार मेरे दोस्तों में भी बांट गई। मैं कहता था वो सबसे अलग है, मुझे धोखा नहीं देगी, पर मेरे साथ साथ अपना प्यार वो मेरे दोस्तों में भी बांट गई। और वो गई कुछ हमें इस कदर छोड़कर, और वो गई हमें कुछ इस कदर छोड़कर, मेरे साथ साथ वो मेरे दोस्तों का भी काट गई। जो राहें उसके घर को जाती थी वो राहें हमने छोड़ दी। जो राहें उसको घर को जाती, जो राहें उसके घर को जाती थी वो राहें हमने छोड़ दी, उसके खतों की नाव बनाई और पानी में छोड़ दी। कि जो राहें उसके घर को जाती थी वो राहें हमने छोड़ दी, उसके खतों की नाव बनाई और पानी में छोड़ दी। और एक दिन देखा उसे रकीब संग बाहों में लिपटे हुए, और एक दिन देखा उसे रकीब संग बाहों में लिपटे हुए, फिर क्या था भाई साहब वो लड़की हमने छोड़ दी। वाह, सही किया। कि और एक लास्ट गजल और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। हिमांशी बाबरा जी को काफी जल्दी थी तो वो चले गए, मैंने उनसे इंस्पायर होके एक लिखा था कि अब वो सुन लेंगे तो अच्छी बात है वैसे। कि उसको किसी और संग देखना अब गंवारा नहीं होता, उसको किसी और संग देखना अब गंवारा नहीं होता, ऊपर से एक दुख ये भी कि वो शख्स सबका होता है बस एक हमारा नहीं होता, और नहीं होता है को पकड़ लेना। कि उसको किसी और संग देखना अब गंवारा नहीं होता, ऊपर से एक दुख ये भी कि वो शख्स सबका होता है बस एक हमारा नहीं होता। और लोग सबब पूछते हैं मेरी इस हालत का, मतलब इतने पतले क्यों हो, कि लोग सबब पूछते हैं मेरी इस हालत का, अब मैं कैसे ही कहूँ यार उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता। और उससे मोहब्बत करके मैंने ये जाना, कि उससे मोहब्बत करके मैंने ये जाना, कोई किसी की जान तो हो सकता है मगर जान से प्यारा नहीं होता, कोई किसी की जान तो हो सकता है मगर जान से प्यारा नहीं होता। और बैसाखियों से जूझते मैंने एक इंसान को देखा है, कि बैसाखियों से जूझते मैंने एक इंसान को देखा है, यार इस जहान में कोई किसी का सहारा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यार इस जहान में कोई किसी का सहारा नहीं होता, और मासुकाओं से मोहब्बतें इजहार करके मुझे ये मालूम हुआ, मासुकाओं से मोहब्बतें इजहार करके मुझे ये मालूम हुआ, प्यार अगर सच्चा हो तो एक बार होता है दोबारा नहीं होता, प्यार अगर सच्चा हो तो एक बार होता है दोबारा नहीं होता। और सारी मोहतरमाओं को एक शेर अर्ज करता हूँ कि नजर करता हूँ, लड़कियों तुम्हारी गलियों में आने जाने से हम बदनाम हुए हैं। अच्छा, कि लड़कियों तुम्हारी गलियों में आने जाने से हम बदनाम हुए हैं, वरना कोई लड़का अपने घर से आवारा नहीं होता। लड़कियों तुम्हारी गलियों में आने जाने से हम बदनाम हुए हैं, वरना कोई लड़का अपने घर से आवारा नहीं होता। और हम सफर अच्छा हो तो 15,000 में भी जिंदगी शौक से बसर होती है। अच्छा। ये उन लड़कियों के लिए जिनके बॉयफ्रेंड या पति का सैलरी, पति की सैलरी तो 15,000 है पर उनके खर्चे 18,000 है। बीस है साहब, बीस बीस हाँ बीस। तब लिखा था कि हम सफर अच्छा हो तो 15,000 में भी गुजारा, हम सफर अच्छा हो तो 15,000 में भी जिंदगी शौक से बसर होती है, हम सफर अच्छा हो तो 15,000 में भी जिंदगी शौक से बसर होती है, वरना तो यहाँ 50,000 में भी गुजारा नहीं होता, वरना तो यहाँ 50,000 में भी गुजारा नहीं होता। और आज मैं भी न जाने किन गलत कामों में पड़ा होता, ये पापा के लिए एक छोटा सा शेर उसी में, कि इसका उससे गजल से बिल्कुल अलग है, कि आज मैं भी न जाने किन गलत कामों में पड़ा होता, अगर बचपन में पापा ने कान पकड़ के सुधारा नहीं होता,
अगर बचपन में पापा ने कान पकड़ के सुधारा नहीं होता, हम उसी पे आते हैं कि इस इंतजारे मोहब्बत में मेरी आंखों का दरिया भी बह बह सूख गया। अच्छा, कि इस इंतजारे मोहब्बत में मेरी आंखों का दरिया भी बह बह सूख गया, अब तो चली आओ जान, अब और इंतजार तुम्हारा नहीं होता। शुक्रिया। अब तो चली आओ जान, अब इंतजार और तुम्हारा नहीं होता। और इसका एक लास्ट शेर है कि लास्ट पढ़े साहब, लास्ट शेर है इसी गजल का कि दोस्तों का भी अब तो एक ही सवाल रहता है। अच्छा, दोस्तों का भी अब तो एक ही सवाल रहता है कि उम्र निकाह हो गई है आपकी। कि दोस्तों का भी अब तो एक अच्छा, सवाल रहता है कि उम्र निकाह हो गई है आपकी। और मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, यार वो मिल गई होती तो ये लड़का अब तक कुंवारा नहीं होता। वाह वाह।